अच्छा नहीं किया तूने, बहुत गलत किया, मैं बहुत नाराज हूँ। खड़ा क्यों है? मुझे जवाब चाहिए। दादी कैसा जवाब? तूने हमें तनु के मम्मी डैडी की यहाँ आने की असली वजह क्यों नहीं बताई? दादी दरअसल मैंने सोचा था कि दादी इनकी कोई गलती नहीं है इसमें। तू तो चुप कर, तुझे सब पता था ना, फिर भी तूने हमें कुछ बताया? वो तो अच्छा हुआ कि तनु के मम्मी डैडी ने हमें सब कुछ अपने आप ही बता दिया, नहीं तो तुम दोनों ने तो हमें अंधेरे में रखा था ना। दादी वो, और तुम पर मैंने सबसे ज्यादा भरोसा किया और तुम ही ने मुझसे सच छुपाया। तू तो सच में रोने लगी? अरे इतनी भी बड़ी बात नहीं है। जब तनु ने खुद हमें ये नहीं बताया कि उसके मम्मी डैडी उसके लिए लड़का देखने आए हैं, तो उससे शिकायत कैसी है? शिकायत बस इतनी सी है कि काश हमें पहले पता होता तो हम इनकी मदद पहले शुरू कर देते। तो अब कौन सी देर हुई, आप हमारी हेल्प अब कर दीजिए। श्योर, जरूर करेंगे। आप अपने घर बेफिक्र होकर जाइए, देखना जब आप वापस आएंगे ना तो हम आपकी लड़की के लिए बहुत अच्छा लड़का ढूंढ के रखेंगे। जी जरूर। मेरा मर जाना ही अच्छा है ना, यही सबके लिए अच्छा होगा। तनु ऐसा नहीं बोलते, तू एक बार हमारी बात सुन ले बेटा, ऐसा नहीं कहते। दे वो चाकू, दे हमें, दे। देखो हम लोग आराम से बैठ के बात करते हैं ना। हाँ, तो बोले मेरे पास रास्ता ही का छोड़ा है। आप लोग अभी की दादी से बात करके उस पर प्रेशर डाल रहे हैं। अगर अभी की दादी से कोई भी गलत तरीके से बात करता है तो अभी उससे सारे रिश्ते नाते तोड़ देता है। अगर ये सब सुन के दादी को कुछ हो गया तो अभी मुझसे सारे रिश्ते नाते तोड़ देगा। मैं अभी के बिना कैसे जीऊंगी, मैं मर जाती हूँ। सारी प्रॉब्लम आज ही सॉल्व हो जाएगी। सर नहीं सोचते बेटा, चाकू दो। हाँ, चाकू दो प्लीज। हाँ, मैं ये चाकू नहीं दूंगी जब तक आप लोग मुझसे ये प्रॉमिस नहीं करते कि आप दादी को कुछ नहीं बताएंगे। सच तो उन्हें बताना पड़ेगा ना। तो मुझे भी मरना ही पड़ेगा। तनु ठीक है, तू जैसा कहेगी हम लोग वैसा करेंगे। प्रॉमिस। ये पेरेंट्स भी ना, इन्हें समझाने के लिए क्या क्या ड्रामा करना पड़ता है। इतनी जेन्युइन एक्टिंग के लिए तो मुझे अवार्ड मिलना चाहिए। गुड़ू एप्पल अच्छा नहीं है। मुझे हेल्प करो। बुलबुल हाथ दिखा, मेरी वजह से लगा ना दर्द हो रहा है। बहुत बहुत प्यार आ रहा है। चलो विजय, अच्छा हो सारी खरीदारी हो गई, इतना थक गए। दादी बुलबुल आप लोग कब आए? ये क्या हो रहा था? नमस्ते आंटी। ये देखिए मेरी आंख में ना कुछ चला गया था तो मैंने पूरब को कहा कि देखे क्या गया है, लेकिन ये पूरब भी देखता ही नहीं। हाँ। देखे ना कुछ गया है क्या? आंख में कुछ चला गया था या तू आंख लड़ा रही थी? दादी ऐसा कुछ भी नहीं है। एक्चुअली जो मेरी खाने बनाने वाली मेड है ना, वो आई नहीं थी, तो मैंने सोचा कि मैं आंटी के हाथ का अच्छा सा खाना खाऊंगा। अगर तुझे आंटी के हाथ का खाना खाना था तो खाने के वक्त आता ना। पैचे तुसी केड़ी गलना च पै गए हो, वो खाना तो एक बहाना सी, एक्चुअली इन्हां नूं मिलना सी। क्यों
सही कह रही है ना, तो मुझे अब समझ में आया कि यहाँ बुलबुल और गुल की प्रेम कहानी चल रही है। बेटा अगर मैं तुम्हें प्यार करती हूँ ना, तो तुम पे गुस्सा भी कर सकती हूँ। और सुन लो, मेरी डांट अभी से शुरू होती है कि आज से ना तुम दोनों एक दूसरे से मिलोगे और ना ही फोन पे बातें करो। और हाँ बेटा जी, आपको खाना ना मैं अब शादी के बाद ही खिलाऊंगी अपने हाथों से। जी आंटी जी, पर ऑफिस ऑफिस का एक काम था जिसके बारे में मेरे को बुलबुल से बहुत जरूरी बात करनी थी। आपको तो पता है ना मैंने नया ऑफिस। आ शादी के बाद ना सारी बातें कर लेना। पर वो कॉन्ट्रैक्ट, अरे सारे कॉन्ट्रैक्ट शादी के बाद साइन करवा लेना। अच्छा वो कॉन्ट्रैक्ट बहुत जरूरी है। और बेटे खाना नहीं बाहर उधर है। खाना तो चलो चलो पितृश्री कोई। अरे I'm not gonna wear। अरे हॉर्ची, इतने सारे कपड़े तुम कर क्या रहे हो आलिया? मिताली भाभी, अच्छा हुआ आप आ गई, अब आप मेरी मदद करेंगी। मेरा आना तुम्हें अच्छा लगा? और मैं तुम्हारी हेल्प करूं? बोलो ना क्या। एक्चुअली क्या है ना, इन सब ड्रेसेस में से आपको कौन सी ड्रेस अच्छी लगी आप मुझे बताएंगी प्लीज? मुझे? हाँ हाँ, ये वाली देखो ना कितनी सुंदर है। आपको अच्छी लगी? हाँ। तो आप रख लीजिए, क्योंकि अब ये ड्रेस मैं पहन नहीं सकती, यू नो इट्स टैकी। हाँ मैं ये वाली। मैं पूरा भर बुलबुल की शादी में क्या पहनूं? ऐसा क्या पहनूं जिसमें मैं सबसे अलग दिखूंगी? यू नो आई वांट टू लुक स्पेशल, आई वांट टू लुक डिफरेंट। अब ट्राई दिस ऑन। अरे एक मिनट, क्या कर रही हैं आप ये? अरे मैं देख रही हूँ कहीं तुम्हें बुखार शुखार तो नहीं है, मतलब तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? आई एम एब्सोल्युटली फाइन, मुझे क्या हुआ? अरे नहीं, कुछ तो हुआ है तुम्हें, नहीं तो जिस शादी को तोड़ने के लिए तुमने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया था, उस शादी के लिए तुम कपड़े सिलेक्ट कर रही हो, सुंदर दिखना चाहती हो, मतलब तुम पूरब और बुलबुल की शादी होने दे रही हो? व्हाट्स रॉन्ग विद यू मिताली भाभी, आपको दिखता नहीं है दैट आई हैव मूव्ड ऑन? जो हुआ सो हुआ, आप उसे भूल क्यों नहीं जाती और मुझे क्यों नहीं भूलने देता है कोई? आप लोग को समझ नहीं आता है क्या कि प्यार सिर्फ पाना नहीं होता है, प्यार तो वो होता है जिसमें आप जिससे प्यार करते हैं उसे अपना प्यार पाते हुए देखें। लेकिन मैं ये आपको क्यों समझा रही हूँ? आप तो ये समझेंगे नहीं, आपका दिमाग तो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में चलता है, राइट? आपको जो सोचना है, आपको जो करना है आप वो कीजिए, मुझे फालतू में परेशान मत कीजिए। आई एम गोना गो एंड ट्राई दिस आउट। गॉड जी, कुछ ना कुछ गड़बड़ तो जरूर है, नहीं तो आलिया पूरा पर बुलबुल की शादी होने देगी, वो भी इतनी खुशी खुशी? जहां तक मैं इसे जानती हूँ ना कुछ तो करेगी, लेकिन क्या करेगी ये समझ में नहीं आ रहा, ये देखना पड़ेगा मुझे। शादी तो कल है, अब तो सिर्फ छोटे छोटे काम रह गए हैं, वो भी हो जाएंगे। तो आप चिंता मत करो जी, और भी मेहमानों को बुलाना है तो बुला लो, ये मत सोचो कि मेहमान ज्यादा हो जाएंगे, मेरा अभी है ना सब संभाल लेगा। हाँ जी मुझे पता है कि बेटा जी ने कोई कमी नहीं रखनी, लेकिन मेरा भी तो मैरिज हॉल है ना कुमकुम भाग्य, बड़ी शादियां कराई है मैंने वहाँ, और पता है मुझे जरा सा भी लोग ज्यादा बढ़ जाए तो कितनी परेशानी हो जाती, बस यही सोच के थोड़ी सी टेंशन। और क्या बेवकूफों वाली बातें कर रही है, इधर दे मुझे फोन, इधर दे मैं बात करती हूँ। वो जी बीजी को आपसे बात करनी है, एक मिनट होल्ड करिएगा। हाँ जी बहन जी नमस्ते। सत श्री अकाल जी। खरला की बात का बुरा मत मानिए आप, इसको तो हर बात पे टेंशन हो जाती है, वैसे इतनी शादियां इसने अपने कुमकुम भाग्य से कराई हैं, लेकिन वो सब छोटी मोटी शादियां, इतनी बड़ी शादी तो नहीं कराई ना, और इसको पता ही नहीं है कि बड़ी शादियों में एक बैकअप प्लान भी होता है। वही तो इनको समझा रही थी मैं। आप बिल्कुल ठीक कहती है, ये सरला जी है ना, टेंशन के बगैर तो इनका दिन ही नहीं कटता। हाँ जी बिल्कुल। अच्छा बहन जी, मुझे आपसे एक बात करनी। हाँ हाँ कीजिए। तुम लोग यहाँ खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो, ले जाके देखो ना हल्दी घुलेगी नहीं। This is so unfair. मुझे घर से निकालते हो, बुलबुल से मिलने भी नहीं थी। अभी जाके दादी को सब कुछ बताता हूँ और तब मिलूंगा बुलबुल से। और नहीं नहीं जी, आपने बिल्कुल सही किया, ऐसे ही होना चाहिए था। क्या आजकल के लड़के जो है ना, ये शादी को तो सिर्फ एक फंक्शन समझते हैं, फंक्शन बस।
सबर नाम की चीज नहीं है इनमें। देखो ना, अब शादी ब्याह के रस्म रिवाज ये भी तो जरूरी है ना, पर इनको क्या परवाह नहीं है। आपने बिल्कुल सही किया, पूरब को ना बुलबुल से नहीं मिलने दिया ना, यही होना चाहिए था। दीदी दीदी मुझे फोन दो ना। जी नमस्ते। अगर वो ज्यादा सताए ना तो हमें बता देना, हम उसे ऐसी रस्में बता देंगे, शादी के दिन तो छोड़िए उस शादी के दो दिन बाद भी बुलबुल के पास नहीं पटकेगा। ओह गॉड, यहाँ तो मेरी कंप्लेंट लिखाई जा रही है। थैंक गॉड कि मैंने दादी को कुछ बोला नहीं, वरना तो शादी के बाद भी। तो फाइनली तुमने क्या सोचा है अभी? अंकल जैसे कि मैंने कहा था, मुझे थोड़ा टाइम चाहिए। कोई भी डिसीजन लेने से पहले मैं पूरी तरह श्योर और कन्विंस होना चाहता हूँ, इसलिए जस्ट प्लीज गिव मी सम टाइम। ठीक है, हम तुम्हारे साथ। आपको भी थैंक यू, आपने ही इन्हें इस मुसीबत से निकाला है, थैंक यू सो मच। देखो बेटा, हमने तुम्हारी हर बात मानी, लेकिन अब एक बात तुम्हें भी हमारी माननी है। आई मीन मेरी एक शर्त। शर्त? कैसी शर्त है? शर्त यह बेटा कि तुम्हें हमारे साथ कुछ दिनों के लिए दिल्ली चलना है। मैं कोई दिल्ली मिली नहीं चाह रही। चलना तो पड़ेगा बेटा, क्योंकि हम लोग अपनी दिल्ली की सारी प्रॉपर्टीज बेचकर मुंबई शिफ्ट हो रहे हैं। As you know, most of the properties तुम्हारे नाम पर हैं। मैं यार शादी के फंक्शंस मिस नहीं कर सकती। समझने की कोशिश करो तनु, तुम्हारे बिना हम कोई प्रॉपर्टी बेच भी नहीं पाएंगे। उस पेपर वर्क के लिए तुम्हारा चलना बहुत जरूरी है। हाँ तो जो भी पेपर वर्क है आप संभाल लीजिए ना, और मुझे तंग मत कीजिए क्योंकि मैं नहीं जा रही, मतलब नहीं जा रही। तनु ये क्या तरीका है तुम्हारे मॉम डैड से बात करने का? इन्होंने तुम्हारी हर बात हर जिद पूरी की है, तुम इनकी एक बात नहीं मान सकती। जब ये कह रहे हैं कि तुम्हारे बिना काम नहीं होगा तो तुम्हें जाना ही होगा ना। फाइन, मैं चल रही हूँ आपके साथ। बेटा हम लोग पूरी कोशिश करेंगे कि शादी वाले दिन यहाँ पहुंच सके, ताकि तनु के साथ साथ हम भी ये शादी अटेंड कर पाए, और शादी के दूसरे ही रोज एक और शादी तुम्हारी और तनु। बेटा अब मैं तुम्हारी कुछ नहीं सुनूंगा। देखो हमने तुम्हारी हर बात मानी, तुम्हारी हर प्रॉब्लम को समझा, अब तुम्हारी बारी। तुम्हारे पास काफी समय, तुम अच्छी तरह से सोच लो, समझ लो क्या करना है क्या नहीं करना, क्योंकि हमारे लौटते ही तुम्हारी और तन्नू की शादी होगी। और अगर ऐसा ना हो तो इस बार तुम्हारे और तन्नू के रिश्ते का फैसला तुम्हारी दादी करे। कब आया और किधर जा रहा है? दादी मैं अभी से मिलने आया था। जो जाए वहीं खड़ा रहे। पीछे मैं तो वहीं खड़ी हूँ। बोल इधर आ। मैं इधर आ बेटा। कहाँ जा रही थी तू चुपके चुपके? मैं तो कहीं नहीं जा रही थी माँ, मैं तो बस मार्केट जा रही थी। मार्केट? क्या लेने जा रही थी? हाँ वो मैं मार्केट पूरब से। अच्छा पूरब से? नहीं माँ, वो पूरब से मैं एक घंटे पहले मिलने वाली थी, वो भी मार्केट में। लेकिन सिंस हम लोग सब रीति रिवाज के साथ ये शादी करे, इसलिए मुझे तो आपकी और दादी की बात तो माननी पड़ेगी ना, है ना दादी? आपने मुझे कहा था ना कि दुल्हन दूल्हे से शादी से पहले नहीं मिल सकती, है ना? इसलिए मैंने पूरब को मना कर दिया। मैंने कह दिया उसे कि मैं उसे नहीं मिलूंगी तो बस। लेकिन वो है जो जिद पे है, जिद पे जिद। इसलिए मैंने उसे मना कर दिया और डांट दिया कि मैं नहीं मिलने वाली, दैट्स इट। शाबाश, क्या काम किया तूने,
एक नंबर की ड्रामेबाज है। मैंने तुझे मना किया तब भी तू पूरा से मिलने जानी थी। तुझे क्या लगता है मैं पागल हूँ? तेरी बात मान लूंगी माँ प्लीज। बीजी आप अभी के अभी इसका फोन इससे ले। नहीं न, मैं अपना फोन नहीं दे रही हूँ किसी को। तुझे मेरी कसम तुझे ये फोन अभी बीजी को देना पड़ेगा। This is not fair. आप लोग मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। ये फोन मेरा जन्म से अधिकार है। देखना मैं भी तेरी माँ हूँ और इस घर में वही होता है जो मैं चाहती हूँ। इसने तुझे जन्म दिया है उसका अधिकार तुझ पे ज्यादा है। इधर दे फोन। ये लो। हैप्पी खुश खुश। प्रज्ञा बेटा एक बार फिर सारा इंतजाम चेक कर लो। मंडप कहाँ लगेगा, पूजा का सामान वहाँ कहाँ रखेंगे और कैटरिंग कैटरिंग वालों का ध्यान रखना। वो हर टाइम गलत काम कर देते हैं और फिर सही करवाना पड़ता है। एक बार उनको अच्छे से समझा दो कहाँ खाना लगेगा और कैसे लगेगा, पूरा पूरा ध्यान दें। हाँ बेटा दादी को सच पता चल गया ना तो मैं कभी उनसे नजरें नहीं मिला पाऊंगा। वो मुझसे नफरत करने लगेगी। माय लाइफ विल बी ओवर। मैं कभी खुद को परेशान मत हो, ये सब ठीक हो जाएगा। क्या ठीक हो जाएगा? कुछ ठीक नहीं होने वाला है, सब कुछ और बिगड़ता जा रहा है। पहले तनु आ गए, अब उसके मॉम डैड आ गए। बस एक दिन बचा। एक बार पूरब और बुलबुल की शादी हुई ना उसके बाद सब खत्म। ना कोई चमत्कार बचा पाएगा ना तुम्हारा ये भगवान। इसलिए प्लीज मुझे झूठी तसल्ली मत दो। कैसे समझाऊंगा मैं दादी को कि प्रेग्नेंट तुम नहीं तनु है? और कैसे समझाऊंगा कि अगर मेरा रिश्ता तनु के साथ था तो मैंने तुमसे शादी क्यों की? तुम्हारा क्या, तुम चली जाओगी ना इस घर और मुझे छोड़कर? झेलना मुझे पड़ेगा लोगों के ताने को और दादी की नफरत को। तुम जाओ ना, तुमने तो अपना मन बना लिया, डिसाइड कर लिया, तो तुम जाओ, जाकर एंजॉय योर लाइफ, बन जाओ महान, निभा लो अपना फर्ज, ले आओ तनु को इस घर में, बना लो इसे इस घर की बहू और मुझे दुनिया का सबसे बुरा पति। एक्चुअली ये सही भी है, मैं हुई इसी लाइन। जिस इंसान ने तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दी ना, तुम्हें भी उसकी जिंदगी बर्बाद कर दीजिए। आप क्या बोले जा रहे? आप नहीं जानते कि आपने मेरे लिए क्या की। और अगर अगर मुझे अपने ही बारे में सोचना होता ना, मैं कब का इस घर से चली गई होती। बदला लेना होता आपसे कब का ले चुकी होती। लेकिन मैं ऐसा नहीं कर रही हूँ क्योंकि मैंने आपसे शादी की है, मेरी जिंदगी आपसे जुड़ी हुई। जो आपकी प्रॉब्लम है वो मेरी प्रॉब्लम है। जितने आप परेशान है उतनी ही परेशान मैं हूँ। और आप मुझसे कह रहे जाओ जी लो अपनी जिंदगी। और आपको क्यों ऐसा लगता है कि मुझे कुछ सुनना नहीं पड़ेगा? मेरा परिवार नहीं है, कभी सोचा है कि मुझे क्या क्या सुनना पड़ेगा? दादी आपसे सिर्फ गुस्सा है, लेकिन सबसे ज्यादा तो मैं उनका भरोसा तोड़कर जाऊंगी ना इस घर से। आप इतने बड़े स्टार हैं, लोगों को तो लगता है ना कि स्टार्स के रिश्ते जितने जल्दी जुड़ते हैं उतने जल्दी टूट जाते हैं, लोग एक्सेप्ट कर लेंगे। लेकिन मैं जब घर वापस जाऊंगी ना, मुझे ना वैसी इज्जत मिलेगी ना वैसी जिंदगी। लेकिन फिर भी मैं आपके साथ हूँ, ये सब कर रही हूँ ताकि आपको आपका प्यार मिल जाए, दादी का सपना पूरा हो जाए और आप मुझसे पूछ रहे। इस घर में मेरी जगह तनु ले लेगी, आपकी जिंदगी में बच्चा आ जाएगा जिसे देखकर दादी अपना गुस्सा भूल जाएगी। लेकिन मैं तो वहीं रह जाऊंगी ना अकेली। जिंदगी जीने से बड़ी सजा और कोई नहीं हो सकती। लेकिन आपकी खुशी के लिए मुझे वो सजा भी मंजूर है। और आप कह रहे हैं कि मैं अपने बारे में सोच, I'm sorry. I don't know what's happening to me. लेकिन मैं ऐसा नहीं था। मैंने लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स फेस की, लेकिन कभी प्रॉब्लम से दूर नहीं भागा, कभी परेशान नहीं हुआ। लेकिन हाँ, जितनी तकलीफ हो रही है कि
छोटी छोटी बात से गुस्सा हो रहा हूँ मैं। शायद मैं इस बात से डर रहा हूँ कि कहीं मैं तुम्हें खो। लगावा